ठीक नहीं है ना, उनको एक फिल्म है उनके लिए कुछ नहीं है, बट उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का नुकसान होगा। तो मैं जो बोला था, जो किसान जैसा जो आत्महत्या कर लेंगे हम फिल्म वाले क्या करेंगे, जब आप फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, और दूसरी बात रिलीज हो गई तो दंगा होने का प्रॉब्लम है आपको, क्या हो? नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं कभी, क्योंकि अगर फिल्म के अंदर एक मैसेज है तो लोग समझ जाएंगे। बस तो सर क्या कहना चाहेंगे, काफी प्रयासों के बाद फिल्म आपकी रिलीज हो रही है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत मेहनत की है इस फिल्म के अंदर, एक साल, उससे पहले एक साल रिसर्च की थी फिल्म के बारे में, तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्म रिलीज होने को आई है, क्योंकि ये सिर्फ एक दंगों पे बेस्ड फिल्म नहीं है, दंगों के साथ साथ जो आधी सच्चाई 2013 में बाहर आई थी उसको पूरे तरीके से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए। फिल्म में सर आप लीड रोल में नजर आ रहे हैं जी, काफी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि पहली जो दो फिल्में थी मेरी वो ऑन एंड ऑन कमर्शियल फिल्म थी, यारियां कहो या हीरोपन थी, ये एक सोलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पे है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर हमेशा एक एक्टर को भूख रहती है कि वो एक अलग तरीके का किरदार करे, और मुझे इतने शुरुआती दौर में मेरे करियर के एक रियलिटी फिल्म, जो एक रियल एक हादसा हुआ था हमारे देश में मुजफ्फरनगर के अंदर, उस पर बेस्ड एक फिल्म करने का मौका मिला, तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के जरिए जो एक मैसेज हम पूरी जनता तक देना चाह रहे हैं वो अच्छे से कन्वे हो। वो मैसेज ये है कि आज की जो हमारी जनरेशन है ये बहुत स्मार्ट हो गई है, ये जातिवाद और रिलीजन्स इन लोगों से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आज ह्यूमैनिटी और पीस हमारी जो बोल सकते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो हम पहले इंसानियत को बढ़ावा देना चाहते हैं और बाद में ये सब चीज़ें बीच में आती हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उनको बनाया गया है। एक्शन तो मान बढ़िया, थोड़ा रोमांस के बारे में जान जाएं, फिल्म में किस तरह का रोमांस है? फिल्म में भरपूर रोमांस है, क्योंकि हम लोग एक ऑन एंड ऑन बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं, कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, तो इसमें आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री टाइप के 2000 दंगे पे हुए जो आपके हो गया, तो बॉलीवुड बेसिकली वापस एक वापस ले लेता हूँ। फिल्म में आपको भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने ये एक डॉक्यूमेंट्री ने एक प्रॉपर बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म बनाई है, तो कमर्शियल फिल्म को मद्देनजर रखते हुए हमारी ऑडियंस को हर तरीके का मसाला इसमें देखने को मिलेगा। इसमें चार गाने हैं, मोहित चौहान जी का एक गाना है, नकास अजीज जी का गाना है, और दो गाने हैं इसके अंदर, एक आइटम सॉन्ग है, उसके अलावा इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी है। ऑफकोर्स जो बेस है वो जो वायलेंस हुआ था, जो एक रियल रीजन था पीछे 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, उसको बेस रखते हुए फिल्म को बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर हर एंगल आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रोवर्सी में आ सकते हैं, नहीं कॉन्ट्रोवर्सी में ऑलरेडी आ चुके हैं, और नहीं चाहते थे कि कॉन्ट्रोवर्सी में आए हम लोग, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था फिल्म को बनाने का वो कॉन्ट्रोवर्सी में ना आने की बजाय हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जब 2013 में दंगे हुए थे तो मीडिया के पास या जो भी लोग इस चीज़ को कवर करने पहुंचे थे उनके पास बहुत कम समय था, उस कम समय में जो एक्सक्लूसिव चीज़ें वो दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई, जैसे कि इतने हिंदुओं ने इतने मुस्लिम्स को मारा, इतने मुस्लिम्स ने इतने हिंदुओं को मारा, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक साल का समय था रिसर्च करने का, रेकी करने का, उस दौरान हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो आज तक भी बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है, फैक्ट्स जो लोग देख पाए कि कितने ऐसे मुस्लिम भाई लोग थे जिन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर हिंदुओं को छुपाया, पनाह दी जिससे कि वो बच जाएं इस मारकाट से, कितनी ऐसी हिंदू फैमिलीज थी जिन्होंने मुस्लिम फैमिलीज को अपने घर में छुपा के रखा, उनको अपने तरीके के कपड़े पहनाए जिससे कि ये मारकाट ना हो। इसके अलावा एक आम इंसान की ज़िंदगी में मुजफ्फरनगर में क्या असर पड़ा, ये बात बाहर नहीं आई। क्या वो इंसान आज 2017 हो गया है, क्या वो इंसान आज ठीक है, क्या वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो गया, क्या उसकी फैमिली में जितने भी लॉसेस हुए थे, जो लोग मर गए थे उनकी कोई रिकवरी हुई सरकार से, उन्हें कोई हर्जाना मिला, क्या उनकी जो बिजनेस इतनी बड़ी शुगर इंडस्ट्री है वहाँ पे, ये सब चीज़ों पे जो इफेक्ट पड़ा था, क्या वो चीज़ें ठीक हो गई, ये किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो हम यही बताना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए कि ऐसी एक छोटी सी चीज़ को अगर सही समय पर नहीं रोका गया तो कितना बड़ा दंगे के रूप में कन्वर्ट हो गया, और उसकी वजह से आज तक इंसान सफर कर रहे हैं। उसको वहीं रोका जा सकता था लेकिन नहीं रोका गया। सर
काफी एक्शन वर्क थी मुझे इसमें, काफी जबरदस्त रूप में आप नजर आ रहे हो। तो आपसे फिटनेस के बारे में जानना चाहिए, कितना आपको फिटनेस पर में ध्यान देना पड़ा? जी मैंने कुछ 15 किलो गेन किया वेट इसके लिए, क्योंकि मैं जनरली अपने आप को लीन रखता हूँ, लेकिन क्योंकि मुजफ्फरनगर का लड़का है तो दूध घी घी वगैरह और गुड़ वगैरह खाने वाला लड़का है, तो उस हिसाब से। और मेरा जो करेक्टर है सुन के अंदर, देव मलिक नाम का करेक्टर है जो कि एक रेंज शूटर है, तो वो नेशनल लेवल चैंपियन पे अपनी तैयारी कर रहा है, नेशनल लेवल के ऊपर तैयारी कर रहा है रेंज शूटिंग की, क्योंकि मुजफ्फरनगर से तो ये अपने शहर आता है छुट्टियों में, और उस दौरान इसे प्यार भी होता है और उसी दौरान दंगे हो जाते हैं, उस दंगे के अंदर ये कैसे फंसता है और एक रेंज शूटर जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वो कैसे एक शूटर बन जाता है, ये आपको एक जर्नी देखने को मिलेगी मेरे कैरेक्टर की इसमें। इनके लोकेशन के मामले से देना चाहिए, कहाँ कहाँ शूट मिलेगा? जी सबसे बड़ा टीआरपी या सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है उनका ये है कि हमने हर वो ऑथेंटिक लोकेशन जहाँ जहाँ दंगे हुए थे वहीं जाके उस चीज़ को शूट किया, और वहाँ के लोकल लोगों के सपोर्ट के साथ शूट किया, जिससे कि हम कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखा दें जो वहाँ हुई नहीं थी, या जो वहाँ पे ज़्यादा हुई थी हमने कम दिखा दी, या जो कम दिखा दी जो कि ज़्यादा हुई थी। तो हम लोगों ने हर वो रियल लोकेशन को यूज़ किया जहाँ दंगे हुए थे, जहाँ जहाँ ये हादसे हुए थे, तो हर चीज़ आपको रियल दिखेगी फिल्म के अंदर। फिल्म की हीरोइन आज 15 तारीख है, कल हमें ज्वाइन कर रही है, एक्चुअली वो चेन्नई में शूट कर रही थी, उनकी कमिटमेंट थी और हमारे प्रोड्यूसर थोड़ा बीमार चल रहे थे, इस चक्कर में हम लोग थोड़ा डिले हो गए, लेकिन डेफिनेटली कल से हमें ज्वाइन कर रही है, फिलहाल शूट कर रही है चेन्नई में। फिल्म को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारा मैसेज है वो हमारी जनता तक कन्वे हो, कि हम जो जनरेशन आज की जनरेशन में मानता हूँ कि पहले एक जनरेशन ऐसी थी हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक मतभेद, वो भेदभाव जातिवाद को लेके रहता था, मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम जो यंगस्टर्स हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से पूछते नहीं भाई तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आपका काम अच्छा लगा तो मैं बेधड़क आपकी तारीफ करूंगा, आपने बहुत अच्छा काम किया, बाद में आपका नाम जानना चाहूंगा, पहले आपके टैलेंट की तारीफ करूंगा। तो वही जो हमारी जनरेशन है वो ये जातिवाद और इस तरीके के कम्युनल जो चीज़ें होती हैं रिलीजन को लेके, इनसे बहुत ऊपर उठ गई है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म के जरिए भी जहाँ जहाँ ये चीज़ें नहीं अभी तक डेवलप हुई हैं वो डेवलप हों, कि इंसानियत पहले है, बाद में जाति आती है, बाद में रिलीजन आते हैं, हमें एकता को प्रमोट करते हैं हम इस फिल्म में।